रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए राजधानी भोपाल में भी लगातार कई सारे आयोजन हो रहे हैं। भोपाल के बैरागढ़ में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, हजारों की संख्या में भक्त भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी, विधायक रामेश्वर शर्मा भी पहुंचे थे। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। और सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना। परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। देश की राजधानी भोपाल में भी जो माहौल है वो भक्तिमय राममय नजर आ रहा है। अलग अलग आयोजन इस वक्त पूरे शहर में हो रहे हैं और भोपाल के बैरागढ़ इलाके में 11,000 राम भक्तों का एक साथ श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं वो भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में लगातार यहां पर जो राम भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके पहले पूरे देश भर में जश्न का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है और लोगों में खासा उत्साह है। भक्तों का ये कहना है कि हम लोग लंबे समय से इन पलों का साक्षी बनने का इंतजार कर रहे थे। अब राम भगवान का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं हम लोग तो। हम तो यही चाहते थे कि राम जी हमारे अवध में आए और अपना मंदिर वहाँ पे बनवाए और वहाँ पे विराजमान हो, तो ताकि हम उनके दर्शन कर सके। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि कहा जा रहा है कि 22 तारीख को दिवाली मनाना है, आज भी एक प्रोग्राम में शामिल हुए होने आए हो, तो दिवाली मनाओगे 22 तारीख को? मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे। क्या क्या करोगे? दीपक जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मिठाई बनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। और अभी ये जो लगातार ये जो इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा रास्ता निकाला। और आप क्या करोगे? आज वहाँ पर भव्य मंदिर का दिवाली मनाओगे? मैंने तो फटाके भी ले लिए, बहुत सारे ले लिए दिवाली के लिए, तो वैसे ही पूरे दिवाली जैसा माहौल रहेगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और इनका ये कहना है कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, 22 तारीख को भव्य दीपावली मनाएंगे, भगवान राम का स्वागत करेंगे, जश्न मनाएंगे। तो ये माहौल पूरे भोपाल में इस वक्त नजर आ रहा है। खान के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे मैदान में बच्चों को। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश भी भगवान राम की भक्ति में लीन है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी न्यूज 18 से खास बातचीत की, कहा कि वर्षों की तमन्ना पूरी हो रही है, आस्था पर लगी हुई चोट पर मरहम लग रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम जब लंका से वापस अयोध्या आए थे तो उत्सव मनाया गया, आज एक बार फिर से वैसा ही उत्सव मनाया जा रहा है। देश में राममय माहौल है, भक्त राम भक्ति में झूम रहे हैं और राजधानी भोपाल ऐसे में कैसे पीछे रह सकती है। भोपाल में आज एक बड़ा आयोजन हो रहा है, 11,000 राम भक्त एक साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और इस पूरे आयोजन में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी शामिल हुए हैं। सर, राम भक्ति की धूम पूरे देश में और आप सब लोग इसमें रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा उत्सव है ये, जैसे हम दिवाली मनाते हैं। भगवान राम जब श्रीलंका से अयोध्या वापस आए थे तो दिवाली मनाया था अयोध्या वासियों ने और सारा देश मनाने लगा, वैसे ही अब एक तरह से उस जन्मभूमि पर
मंदिर को जिस प्रकार से तोड़ा गया था उसको इस प्रकार से निर्माण कर देना किसी दिवाली से कम नहीं है। और इसलिए पूरा देश उमंग से भरा हुआ है, उत्सव मना रहा है। मध्य प्रदेश शासन ने भी बहुत सारे सर आयोजन करवाए हैं, आप लोगों ने लगातार लोगों से अपील की है कि अपने मंदिरों को सजाइए, घरों को सजाइए। जनता सोच पूर्ति कर रही है, हम अपील नहीं कर रहे हैं, हमने कोई अपील नहीं की है। जनता में खुद ही उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हो रही है, आस्था पे लगी हुई चोट पर मरहम लग रहा है। ऐसे लोग खुद ही इतना धार्मिक हमारा देश है, खुशी से उमंग से भरा हुआ है, ऐसे अपने घर सजा रहा है, दीपक जला रहा है, लोग स्वयं ही आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल हमारे साथ थे और आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो राम भक्त हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और हनुमान चालीसा के पाठ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ।